ब्राजीलियन महिला कार्ले पिंटो आयरलेस को करीब 39 करोड़ रुपए के कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशीली पदार्थों को खरीद फरोख्त के आरोप में वह भाईकला जेल में रह चुकी है और 2 महीने पहले ही जेल से छुट्टी है। उसके 3 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। उनके पास से अम्बली पुलिस को करीब 6.5 किलो कोकीन मिली है जिसकी कीमत 39 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को कोर्ट से इनकी 7 दिनों की रिमांड मिली है। रविवार को वेस्टर्न रीजन के एडिशनल सीपी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और जोन 9 के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने मीडिया को बताया कि आरोपी विदेश से मादक पदार्थ लाकर भारत में ड्रग्स के डीलरों को सप्लाई करते थे। अम्बोली पुलिस के इंस्पेक्टर दया नाइक ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर शनिवार रात कार्ले सहित 3 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। ये जो जगह है, एक छल्ला इसको बोलेंगे, इसको बेसिकली पीछे से बांधा जाता है और इसको बांधने के बाद ये खुल के ऐसे आता है इस तरीके से। इसके बीच में मोबाइल ये जो चीज़ें हैं, इनसे एक पाइप टाइप बनाया जाता है, जो कि पाइप टाइप का बनाने के बाद उसमें पूरा का पूरा कोकीन भरा जाता है। आपको पता है कोकीन की छोटी सी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। फिर ये जो मशीन है, इस मशीन से इसको पूरा सील किया जाता है, पैक किया जाता है, ये जो मशीन सामने देख रही है। और उसके बाद ये कभी भी किसी को नहीं मालूम चलता कि इस पर्दा है, इसमें बीच में कोकीन। इसी के तरीके से बर्थडे को रंगने के लिए, सजाने के लिए पट्टियां हैं, इन पट्टियों के अंदर इस तरह के खाली डिब्बे हैं, इनके अंदर कोकीन भरा जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कोकीन है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोकीन है और ऊपर ही पर्दे के बांधने वाले इसको क्या धागा बोल सकते हैं वो मिलता है। इस पूरे सिस्टम में ये जो मशीन है बड़े काम की है, क्योंकि इससे पूरा प्रेस कर दिया जाता है, इससे भी पूरा पैक हो जाता है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो तो मटेरियल ये है, एकदम पतला मटेरियल है, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर वो पैक हो जाएगा और उस तरह से ये किया जाता है। हम लोगों को इस पूरी मुहिम में जो कोकीन मिला है 6 किलो 449 ग्राम, जो कुल मिलाकर 38 कोटी 95 लाख का होता है, यानी कि 39 करोड़ के आसपास का इसकी कीमत है। जिन लोग अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 7 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। अभी वो हमारे पास हैं, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो आप लोग मुझे बाद में पूछे, मैं पहले बता देता हूँ, इसमें असली चीज़ जो है वो ये कि इन लोगों के पास पकड़ने के बाद जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है उसको देखने के बाद जब मालूम चला कि कुरियर कंपनियों के माध्यम से ये जाता है, तो उसमें ये भी मालूम चला कि एक आध बार जा भी चुका है, तो उन कुरियर कंपनियों के साथ हमारा चल रहा है पूछताछ कि किस तरीके से ये माल जाता है और वो माल जाते समय इन लोगों को पता भी रहता है कि नहीं रहता। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SNTV न्यूज़, मुंबई।